हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर। दोस्तों, आप एजेक्स ऑपरेटर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, जब भी कोई नई मशीन आती है तो मशीन पर हर जगह वार्निंग के स्टिकर लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऑपरेटरों को पता नहीं रहता है ये स्टिकर किसके लिए रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब स्टिकर के बारे में एक एक करके सब जानकारी देंगे, स्टिकर क्यों लगाए जाते हैं और हर स्टिकर का क्या मतलब रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कौन सा स्टिकर किस चीज़ का रहता है, किस चीज़ के बारे में रहता है, तो दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियो शुरू से अंत तक। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पहले केबन वाले स्टिकर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कांच पर दो स्टिकर लगे हुए दिख रहे हैं आपको। दोस्तों, ऊपर वाले स्टिकर पर लिखा हुआ है फॉर ट्रैवलिंग एंड इंस्पेक्शन फिक्स सेफ्टी ब्लॉक्स। दोस्तों, इसका मतलब है कि जब भी गाड़ी लंबे टूर पर ट्रैवल पर चल रही हो तो सेफ्टी ब्लॉक्स पहन लें। दोस्तों, उसके नीचे जो दूसरा लगा हुआ है उस पर लिखा है बिफोर स्टार्टिंग बी श्योर ऑल पर्सन आर अवे फ्रॉम द रेंज ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों, उसका मतलब होता है कि मशीन स्टार्ट करने से पहले चारों तरफ यकीनन करके देख लें कि कोई भी इंसान मशीन के आसपास तो नहीं है, उसके बाद ही मशीन स्टार्ट करें। दोस्तों, अब अगला स्टिकर केबिन वाला ही है। दोस्तों, जो लीवर बॉक्स के साइड में लगा रहता है, ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपको स्टिकर दिख रहा है अवॉइड हाई प्रेशर फ्लूइड्स रिलीज प्रेशर बिफोर डिस्कनेक्टिंग ऑयल लाइंस। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हाई प्रेशर जो स्पीड से आ रहा है उसको अनदेखा करें और प्रेशर को छोड़ने से पहले ऑयल लाइन को जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दें, हटा दें। दोस्तों, अब जो आप स्टिकर देख रहे हैं, दोस्तों ये ड्रम साइड वाले ग्लास पर लगा रहता है। दोस्तों, इसका मतलब रहता है कि ड्रम साइड मशीन नहीं चलाना है, ड्रम साइड ड्राइविंग तभी करना है जब सिर्फ लोडिंग करना है, उसके बाद ड्रम साइड मशीन नहीं चलाना है। दोस्तों, ये स्टिकर टायर के ऊपर केबिन की चेचस में लगा रहता है। दोस्तों, ये टायर के बारे में रहता है, इस पर जानकारी रहती है। इस पर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन प्रेशर, टायर कितने बार का है, कितने टायर में हवा कितने पॉइंट रखनी है, इस पर यह सब जानकारी रहती है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टायर का साइज लिखा हुआ है एक तरफ एनोमेटिक लिखा हुआ है। दोस्तों, 4.8 बार का टायर है, 70 पॉइंट दोस्तों इसमें हवा आती है। आइए दोस्तों, अब आपको आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, आप जो स्टिकर देख रहे हैं ये बैटरी बॉक्स के बाहर लगा रहता है। दोस्तों, इस पर लिखा रहता है कि इसको बैटरी को खाली हाथ ना छुएं। दोस्तों, पहले हाथों में ग्लव्स वगैरह कुछ पहन लें, इसके बाद इसको टच करें। दोस्तों, अगला स्टिकर वाटर मोटर के नीचे वाटर टैंक के ऊपर लगा रहता है। दोस्तों, जिस पर लिखा रहता है नॉट ड्रिंकेबल वाटर। दोस्तों, इसका मतलब है कि टैंक का पानी पीने योग्य नहीं है। दोस्तों, ये पानी पीने से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग पीने में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगला स्टिकर नंबर प्लेट के नीचे लगा रहता है, जिसका मतलब रहता है दोस्तों कहीं भी मशीन वगैरह फंस जाती है तो उस पर लिखा रहता है ट्विन इंस्ट्रक्शन रेफर मेंटेनेंस मैनुअल। दोस्तों, की मशीन को बांधने से पहले मेंटेनेंस मैनुअल देख लें ताकि मशीन अच्छे से बांध सकें, कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, अब आगे वाले स्टिकर की बात करते हैं। दोस्तों, जो स्टिकर आप देख रहे हैं ड्रम की चेचेस के ऊपर लगा रहता है, दोस्तों देख सकते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा रहता है दोस्तों कि कीप ऑफ योर हेड फ्रॉम हार्ड कॉर्नर ऑलवेज यू योर हार्ड हेड। दोस्तों, इसका मतलब रहता है अपना सर हमेशा इससे दूर रखें, बचा कर रखें, और दोस्तों इसके लिए हो सके तो हेलमेट पहन कर रखें। और दोस्तों, आगे दो स्टिकर यहाँ बोनट पर लगे हुए हैं। दोस्तों, पहले वाले स्टिकर का मतलब रहता है कि हमेशा किसी भी जानकारी के लिए अगर बोनट खोलते हैं तो हमेशा बंद इंजन में ही बोनट खोलें, दोस्तों चालू इंजन में कभी भी बोनट ना खोलें। दोस्तों, दूसरे स्टिकर पर लिखा रहता है हमेशा सावधान रहें, कहीं भी गर्म चीज़ को कोई भी गर्म पार्ट्स को मत छुएं। अरे दोस्तों, अब आगे वाले स्टिकर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो स्टिकर आप देख रहे हैं, दोस्तों ये स्टिकर आपको मशीन के सभी सिलेंडर पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जिसके लिखा रहता है डू नॉट एक्सपोज क्रोमियम प्लेट सिलेंडर रोड्स टू एसिड। दोस्तों, कई बार क्या होता है
मशीन पर कंक्रीट जमा हो जाता है दोस्तों, तो कई ऑपरेटर क्या करते हैं इसको साफ़ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस पर लिखा हुआ है कि कभी भी अगर आप एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी जो पिस्टन रहता है सिलेंडर का, पिस्टन के ऊपर एसिड नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों क्या होता है एसिड उसकी ऊपरी परत को जला देता है और वो खुरदरा हो जाता है जिससे सील कटने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, कभी भी एसिड से मशीन साफ़ करें तो पिस्टन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पिस्टन खुरदरा हो जाएगा और सील कट जाएगा जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये लास्ट स्टिकर लगा रहता है सूपड़ी के नीचे, दोस्तों जहाँ से हम माल गिराते हैं सूपड़ी उसके नीचे स्टिकर लगा रहता है, इस पर कुछ नहीं लगा रहता है। दोस्तों इसका मतलब रहता है हमेशा कोई भी व्यक्ति माल खाली हो रहा हो तो मशीन से दूरी बनाकर ही रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मशीन पर लगे हुए हर एक स्टिकर के बारे में पता चल गया होगा कौन सा स्टिकर किस चीज़ के लिए लगा रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें, और दोस्तों फिर भी अगर कोई भी कहीं भी कुछ कमी रह जाती है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं।